हेलो जी, कैसे हैं यार? आज बहुत ही जबरदस्त चीज बन रही है। आज अलीना मेरी भी फेवरेट चीज बना रही है और आपकी भी। बहुत ही मजेदार आज बन रहा है बकरे का मगज। लो जी, मेरी बाड़ी आ गई है सब्जियां काटिंग। तो मगज बनाने के लिए, बकरे का मगज बनाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आ जाए। और मगज मसाले के लिए 5 अदद टमाटर, 5 अदद हरी मिर्चें और 2 इंच का टुकड़ा आपको अदरक का चाहिए। हाँ जी, तो रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो रेसिपी के लिए ये 4 अदद मैंने मगज ले लिए, बकरे के मगज हैं ये हम कढ़ाई में शामिल कर लेंगे इस तरह से। ये जी एक बल्ब मैंने लहसुन का ले लिया है, इसको छीलेंगे नहीं, इसको इसी तरह से चॉप कर लेंगे। छिलकों के साथ ही इसमें डालेंगे और इसको कूट लेंगे। बस इसको आपने तोड़ना है, यानी के बारीक नहीं पीसना इसको जी। इसमें से आधा जो लहसुन है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ठीक है, और आधा मैं इसी में रहने दूंगी। अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि मगज जो है हमारा कवर हो जाए। और पानी आपने साइड पे रख के डालना है, मगज के ऊपर नहीं डालना, टूट सकता है मगज इस तरह से। ये जी कवर हो गया पानी से। पानी डालने के बाद 1 टेबल स्पून ये सूखा धनिया है साबुत, वो इसमें शामिल कर देंगे। आग मैंने जला ली है, जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने बॉयल कर लेना। ये देखें जी, मगज में बॉयल आना शुरू हो गया। ये जो है आपको ये झाग नजर आ रही है, ये वेन से ऊपर जो ब्लड नजर आ रहा होता है सारा आपको, वो इस तरह से ये ब्लड सारा निकल के ऊपर आ जाता है। आपको वेन्स को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारा ब्लड है जो वेन्स का आपको नजर आ रहा था वो ऊपर आ गया जी। ये ब्रेन को मैंने 3 मिनट के लिए बॉइल कर लिया। अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें जी, बॉइल होने के बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखा रही हूं। आपको कोई वेन इसके ऊपर अब नजर नहीं आ रही, जितनी वेन थी वो सारा निकल के खून ऊपर आ गया। अब इसका पानी हम ड्रेन कर लेते हैं जी। इसका ये गंदा पानी इस तरह से ड्रेन कर देंगे और इसमें दूसरा पानी, साफ पानी शामिल कर लूंगी। साफ पानी मैंने इस तरह से हाथ रख के डालना है इसमें। जी मगज को ये देखें, मैं चम्मच की मदद से निकाल रही हूँ। ये मगज मेरा टूटा नहीं है, पूरे का पूरा मगज है बॉयल करने के बाद भी। आपने बड़ी एहतियात के साथ इसको बॉयल भी करना है और निकालना भी है जी। मगज बॉयल हो गया, अब हम रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। 4 अदद हमने जो टमाटर काटे थे वो इसमें शामिल कर लेंगे। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं वो शामिल करेंगे जी। जो आधा बचा हुआ लहसुन है उसमें मैं आधा कप पानी का डाल दूंगी जी। जिस लहसुन, ये कुटे हुए लहसुन में हमने पानी शामिल किया था, इसको स्ट्रेनर से छान के लहसुन का पानी इसमें शामिल कर देंगे। आधा कप के करीब पानी डाल लेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया,
मिक्स करेंगे और इसको कवर करके टमाटरों को गला लेंगे जी। तकरीबन 5 मिनट हो गए, अब इसका कवर मैं उठा लेती हूँ। टमाटर हमारे तकरीबन गल चुके हैं, ये देखें। यहाँ पे मैं आधे कप के करीब इसमें ऑयल डाल दूंगी, आप जितना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ऑयल डालने के बाद मिक्स करेंगे और टमाटरों को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से भूनना है जी। टमाटर को अच्छी तरह से मैं मैश कर दूंगी, ये मेरे पास देसी मैशर है तो उसके साथ मैं इसको कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी को बिल्कुल मुलायम बनाना है। हल्का सा मैं इसको करके टमाटरों को बिल्कुल मुलायम कर लूंगी। ये ले जी, हमारे टमाटर मैश हो गए अच्छी तरह से जी। ये देखें, मैश करने के बाद मैं इसको अब हल्का हल्का सा भून लूंगी। ये देखें जी, घी निकलना शुरू हो गया, टमाटर अलहदा और घी अलहदा हो गया। अब यहाँ पे हमने इसमें 3 चम्मच के करीब दही डाल देनी है। दही डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसको थोड़ी देर के लिए फिर भूनेंगे जी। 1 टेबलस्पून ये मेरे पास सूखी मेथी है, इसको हाथ की मदद से इस तरह से पीस लेंगे इस तरह से और इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून ये काली मिर्च, 1/2 टीस्पून का जीरा पिसा हुआ और 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला शामिल कर लूंगी, मिक्स करेंगे। और खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है कि वाकई दिल कर रहा है अभी इसको, इस मसाले को ही कच्चा खा रहा है जी। अब यहाँ पे एक एक करके ये मैं मगज शामिल कर लूंगी। मगज शामिल करने के बाद इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से 4-4 पीसेस में कर लूंगी, ताकि जब आप मगज खाएं तो आपके मुंह में बाइट आए मगज की। मिक्स कर लेंगे, ज्यादा आपने ज्यादा हार्ड तरीके से इसको नहीं हलाना, नहीं तो मगज टूट जाएगा। जी यहाँ पे जूलियन कटिंग में जो मैंने अदरक काटी थी वो यहाँ पे शामिल कर लेंगे, मिक्स करेंगे। और ये जबरदस्त, आपको इसकी शक्ल देखें ना, भेजा मसाला आपको, आप खाएंगे तो वाकई आप याद करेंगे कि लीना ने वाकई कोई चीज बनाई है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन रेसिपी दूँ जी। यहाँ पे मेरे पास ये 40 ग्राम बटर है, वो मैं शामिल कर दूंगी जायके के लिए, इससे तो जायका डबल हो जाता है इसका। मेरे तरीके से ज़रूर ये बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा कि आप वाकई कहेंगे कि हमने एक डिफरेंट जो रेसिपी है वो ट्राई की है। तो अब यहाँ पे मैंने ये हरी मिर्च और धनिया काटा था वो इसमें शामिल कर लेंगे, मिक्स करेंगे। और ये जी हमारा भेजा मसाला जो मगज मसाला है वो तैयार, मजेदार किस्म का मगज मसाला तैयार हो गया। इसको बनाइएगा, खाइएगा और मुझे दुआओं में आपने याद रखना है और मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो इसे मेरे इंस्टाग्राम पे आपने शेयर करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी आपने कैसे बनाई है। ये जनाब गर्मा गर्म नान, मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाएगा, स्वाद ही आ जाएगा यार आज तो। मैं चेक करें अभी ज़रा, वे यार चेक यार, मैं कहता हूँ अल्फाज नहीं है, मुंह से निकल ही कुछ नहीं रहा इस टाइम तो। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है, चेक करें यार, ओए 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 ओए, मसाला दिल करता है बस लगाई जाऊँ। चेक करें ज़रा ये, यार अंतु
क्या वाला जायके बने, अल्फाज नहीं है यार। ओए ओए ओए, टेस्ट है ना घुमा दिया पकड़ के। पर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और ये रेसिपी आपने जरूर ट्राई करनी है। आपको कहोगे यार दिल नहीं कर रहा बोलने को, साथ में थोड़ी हरी मिर्च भी लगाइए।